Afternoon students, so today we are going to continue with our chapter, the last lesson. So here we are. After the grammar we had lesson in writing. Grammar पढ़ने के बाद हमें writing के लिए भी lesson मिला. That day Master Hamel had new copies for us. उस दिन Master Hamel हमारे लिए new copies लेकर आए थे, written in a beautiful round hand. उसमें बहुत ही beautifully लिखा हुआ था, France Elsies. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जैसे छोटे छोटे झंडे पूरे स्कूल रूम में फ्लोट कर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. जैसे ही वो कॉपी सबको मिली, सब बहुत शांत बैठकर अपना काम करने लगे. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ साउंड आ रहा था कि लिखने का, जो ऐसे अपन पेन से लिखते हैं तो थोड़ा बहुत साउंड आता है, तो सिर्फ वही साउंड आ रहा था और कोई साउंड नहीं आ रहा था. वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. कुछ कुछ बाहर से चिड़िया भी आई लेकिन किसी ने किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, पिजन्स वहाँ से आवाज़ कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या अब पिजन्स को भी फ्रेंच लेसन नहीं, जर्मन में ही गाना पड़ेगा. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था कि मास्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, बिना हिले डुले मास्टर हैमल अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनादर, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर देयर मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे. कितना बुरा लग रहा होगा मास्टर हैमल को कि वो यहाँ से जा रहे हैं, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, ऊपर उनकी सिस्टर पूरी पैकिंग कर रही है और उनको कंट्री छोड़ के जाना है अगले ही दिन, मतलब कल ही. बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमें उनने हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया. आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और देखो मुझे ये लास्ट लेसन कितनी अच्छे से समझ में आ रहा है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और क्या हुआ कि जो चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 बज गए. देन द एंजलस, एंजलस का मतलब क्रिश्चियन प्रेयर. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज. इस प्रेयर के साथ साथ हमें आवाज़ आई, जो सोल्जर्स बाहर ड्रिल कर रहे हैं वो वापस आ रहे थे. मास्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और मास्टर हैमल अपनी चेयर से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए, मैंने उनको कभी ऐसे देखा नहीं था, वो इतने ज़्यादा टॉल हैं, लंबे हैं. My friend said, I, but something checked him, he could not go on. मेरे सारे दोस्त कुछ कहना चाहते थे पर सब ऐसी कोई चीज़ थी जो उन्हें चोक कर गई, वो बोल नहीं पा रहे थे. Then he turned to the blackboard, और फिर मास्टर हैमल खड़े हुए और blackboard की तरफ टर्न हुए. Took a piece of chalk, और उन्होंने एक चौक का पीस उठाया. And bearing down with all his might, he wrote as large as he could, और उसके बाद वो बोर्ड पे लिखने लगे बहुत बड़े बड़े लेटर्स में, वाइवा ला फ्रांस. तो उन्होंने ये वर्ड लिखे तीनों. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल भी टर्न भी नहीं हुए, वो वॉल की तरफ से ही मुड़कर वहाँ से जाने लगे. और उन्होंने कहा ये लेटर्स लिखने के बाद, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, अब ये क्लास ओवर हो चुकी है और आप जा सकते हैं. सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे.